अगर किसी रिलेशनशिप में अगर इतनी ज़िंदगी ख़राब हो रही तो उससे तो ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने से बेटर है कि यू जस्ट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप तो बात की चीज़ है, आप अगर खुद ही एग्जिस्ट नहीं करोगे, अपना सेल्फ खो दोगे, तो उस रिलेशनशिप का या उस मैरिज का क्या फ़ायदा? अब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो अकेले हो जाते हैं। अगर हम साथ में रहेंगे तो दिमाग खराब होगा, इससे बेटर है कि अकेले होके अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहे। वी हैव केप्ट द पोजीशन ऑफ अ वुमन सो कॉम्प्रोमाइज्ड कि हमने उसको बहुत ही रिप्लेसेबल बना दिया। तलाक को तो तलाक देखिए है तो अच्छा शब्द है नहीं, ना पहले था ना आज है। सोसाइटी का काम ही क्या लड़कियों को ब्लेम करने के अलावा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, मतलब एक जज ने एक बात कहा, ये फैसला नहीं है। हो सकता है ये बात सच हो। द रीज़न इज कि जितना टाइम लड़का लड़की एक दूसरे को जानने में लगाते हैं उतने में साल दो साल शादी के बीच जाते हैं। हो सकता है ज़्यादा वक्त बीत जाए। आप स्टार्टिंग के कुछ साल एक दूसरे को जानते हैं और जब तक मतभेद पैदा होना शुरू होते हैं तब तक काफ़ी वक्त शादी का बीत चुका होता है। लव मैरिज में मुझे लगता है आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, साथ रहने के बाद आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। तो लोगों को लगता है यार यहाँ साल दो साल पहले शादी हुई थी और अब डाइवोर्स हो गया, तो इस वजह से हो सकता है कि लव मैरिजेस में डाइवोर्स के केसेस जल्दी आते हों और अरेंज मैरिजेस में थोड़े अगर आते भी हों तो लेटर इन द लाइफ। ये आज के डेट पे ना लोग बहुत इवॉल्व होते हैं, मतलब पहले के टाइम में लोग बंध गए, तो कम उम्र में शादी होती थी तो लोग बंध जाते थे और कोशिश करते थे कि हमारे पेरेंट्स का रिश्ता ऐसे रहा है तो हम भी इसको खींच ले किसी तरीके से। सबसे पहला चेंज जो था मेरे लिए वो ये था कि आपके बेड साइड एक और बंदा आ गया है, वो बेड शेयर करना ही मतलब राइट फ्रॉम देयर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वहीं से आप अगर एडजस्टमेंट आपको शुरू करनी पड़ती है कि अब आप उठ बैठ अपने हिसाब से नहीं सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा अपने पार्टनर के बारे में और ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैरिज में आ जाते हो तो फिर वहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, पार्टनर से ये है वो है, बहुत चीज़ें हैं। तो मैरिज में अगर आप आ रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए कि लव मैरिज में जो ये डिवोर्स के सीन आते हैं ये इस वजह से भी आते हैं कि मतलब अगर आपकी फैमिलीज पहले से राज़ी नहीं होती तो वो खुश नहीं होते, अगर वो खुश नहीं होते तो सारी ज़िंदगी खुश नहीं होते, तो हर चीज़ को मतलब एक एक गलती को चुनते हैं, फिर मतलब लड़की वाले साइड भी लड़के वाले साइड भी तो मतलब चुनते हैं वो चीज़ें कि ये तो हमें पसंद नहीं थी, ये तो ऐसी ही होगी, हाँ फिर मतलब हर चीज़ को आपको दोनों कपल को मतलब ऐसे संभल के चलना होता होगा, कोई भी छोटी गलती बड़ी पहाड़ बन जाता होगा, एक डिस्कशन का मुद्दा बन जाता होगा। भाई अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसा मुझे लगता है, जैसे फैमिली का होता है कि अगर हम डाइवोर्स दे देते हैं या सेपरेट हो जाते हैं तो फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, ज़्यादातर केसेस में तो वो कहीं ना कहीं वो बैगेज होता है उनके अंदर कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से अरेंज मैरिज में जो डाइवोर्स है या जो भी है उसके नंबर्स कम होंगे कंपैरेटिवली लव मैरिज के। यार देखो यही बात है ना कि हमारे एक जनरेशन ऊपर माँ बाप का जो जनरेशन है उनके लिए आज के डेट पे डिवोर्स मतलब हाय तौबा अल्लाह छाती पीट लो वैसी टाइप की बात हो गई। कल के डेट पे मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं और वो आगे जा कर के डिवोर्स लेते हैं, तो मतलब इतना तो मैं ट्रस्ट करूँगी अपने बच्चों को कि उन्होंने हर तरफ से सोच लिया होगा और तब जा कर के ये स्टेप ले रहे हैं। आई गेस इट इज़ बिकॉज वेमेन टुडे आर मोर सेल्फ डिपेंडेंट। आप एक नौकरी तब छोड़ती हैं जब आपको दूसरी जगह से नौकरी मिल जाए या आप अपने में इतनी कैपेबल हो जब आपको मालूम हो कि आपको दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। आप किसी भी इंसान से सेपरेट होने का डिसीजन तभी ले सकती हैं जब आप अपने में इतनी काबिल हो कि आपको पता हो कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। जो समाज है जो हर बात पे लड़कियों को ब्लेम करती है ना कि लड़की के कारण, मैं भी बोलती हूँ हाँ लड़की के कारण, क्योंकि लड़की को पता है कि वो कौन है, उसको पता है कि उसके बिना सामने वाले की नहीं चलने वाली है और अगर वो उसके बदले में रिस्पेक्ट डिमांड कर रही है तो क्या गलत कर रही है। कई जोक्स भी चलते हैं ना ऐसे इंटरनेट पे कि नहीं लड़की अचानक से आपको 3 महीने बाद कोई पुरानी बात अचानक से आपके मुँह पे फेंक के मारेगी। आप नॉर्मल सी बात बता दो, गीला तौलिया अगर आपको बिस्तर पर रोज मिलेगा तो आप कब तक गुस्सा नहीं करोगे? तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपको बता दिया जाए और आप समझ लो, अगर कोई एक कोडर है और वो अपने कोड में सेम गलती रोज और बार बार रिपीट करेगा तो उसको ऑफिस वाले भी निकाल देंगे। आप प्रोफेशनली इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, आप प्रोफेशनली इतने बढ़िया इंसान होते हैं, बट आप जब पर्सनल लाइफ में आते हैं तो आप हक देते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो द ओनली रीजन इज यू ईदर टेक इट वेरी लाइटली और यू टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत
लोगों से लड़के, सोसाइटी से लड़के, बहुत लोगों की फैमिलीज भी नहीं एक्सेप्ट करती है, अपनी फैमिली से लड़के वो शादी करते हैं, तो उनको ये पता होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब हो जाए कि दोनों की जिंदगी खराब है, तो अपनी जिंदगी सुधारो भाई। एक इंसान जो मुझे पसंद नहीं है उसके साथ मैं कैसे पूरा जीवन बिताऊंगी, इससे बेटर है कि मैं अकेले बिता लूंगी यार। जब यही रोल रिवर्स हो जाता है और आप किसी आदमी से कह देते हो देखो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरा खर्चा उठा रहे हो, तो और वही जो चीज हमें लगता है कि हमने अपनी लड़कियों को इतना काबिल बना दिया है वही उन्हें बैकफायर करती है। लोग कहते हैं क्योंकि ये कमा रही है और क्योंकि ये कैपेबल हो गई है तो ये देखो अपने आदमी को छोड़ देती है, बट व्हाई नॉट, क्यों हम थप्पड़ खाएंगे। अब हमें इस चीज को, ये डिवोर्स जो एक टैबू वर्ड है, इसको हटा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई विल वांट माय सेल्फ की बी इन टू बी इन अ हैप्पी प्लेस रादर देन बीइंग इन अ डिप्रेस्ड स्पेस। सुनना सीखो तुम लोग, सभी लोग सुनना सीखो, हो सकता है मैं भी कम सुनता हूँ लेकिन सुनना सीखो, मतलब दूसरे की सुनना सीखो, अगर मैं किसी को सुनूंगा तो वो मुझ पर और ज़्यादा रिलाय करेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, ज़्यादा आगे बढ़ोगे आप, और जब मेरी कोई सुनेगा, मेरी बात रख लेगा, तो मैं भी उसी से बात करना चाहूँगा, उसी से कहना चाहूँगा, जब कोई सुनता है आप तभी उसी के पास जाते हो, अदरवाइज तो इधर उधर भटक ही जाओगे। लव ऐसी चीज़ है जो वेरी कर सकती है, हो सकता है कि 5 साल बाद उस तरह का प्यार ना हो क्योंकि वो हनीमून पीरियड होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को लेकर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मतलब एट द एंड वही है कि ज़रूरी नहीं था सारे कपल्स दोस्त बन ही जाए या उनके बीच में वो बेस्ट फ्रेंड वाला या कंपेनियनशिप उस तरह की डेवलप हो, बट अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेकर तो एक दूसरे के साथ रहना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर छोटी मोटी बातें कोई हैं उनको रफा दफा करो, और अगर उसे लेकर रखोगे, मतलब जैसे कई जोक्स भी चलते हैं ना ऐसे इंटरनेट पे कि नहीं लड़की अचानक से आपको 3 महीने बाद कोई पुरानी बात अचानक से आपके मुंह पे फेंक के मारेगी, मतलब अब वो लड़का भी कर सकता है कि नहीं तुमने उस दिन उससे लड़के से कैसे बात कर ली, ये इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। अगर मस्ती मजाक है तो चलो फिर भी एक बार को आप कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे कोई भी अगर झगड़े हैं कोई है, कम्युनिकेशन ओपन रखो, बातचीत करो, सुलझाओ, कुछ बड़ा है तब भी पहली कोशिश ये करो कि आपस में ही सबसे पहले बात करो, और अपने झगड़ों को अपने तक रखो, इधर उधर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी इमीडिएट फैमिली क्यों ना हो, सबसे पहले आप आपस में सॉल्व करने की कोशिश करो, ना हो तो फिर आप बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचो, बट येस कम्युनिकेशन इज़ द की।